Hello friends, good morning. Today we are going to discuss quantity aptitude quiz for IBPS 5th February 2019 and this is a day 13. Today's topic is simple interest. And the first question: A borrows rupees 800 at the rate of 12% per annum at simple interest, and B borrows rupees 910 and the rate of 10% annum at simple interest. In how many years will their amounts be equal? कितने साल बाद दोनों लोगों का amount जो है equal हो जाएगा, यानी कि amount is equal to amount, ये इसको हम first rupees 800 and 12% पर हम इसको अमाउंट निकालते हैं, यानी कि प्रिंसिपल प्लस SI, हम इसको P1 एंड SI1 नोट कर लेते हैं, एंड इसको P2 प्लस SI2. सो P1 क्या है हमारा 800 प्लस SI जो निकलेगा वो हम जब प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं तभी तो अमाउंट हमें फाइंड होता है. सो इसका सिंपल इंटरेस्ट 800 लेट कर लेते हैं T ईयर में इंटू 12% अपॉन 100 इक्वल टू अमाउंट दोनों का इक्वल होता है. सो 910 प्लस 910 इंटू टी और 10% रेट ये हो जाएगा P2 अमाउंट इक्वल हो गया यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सो इसको सॉल्व करते हैं, ये 12 8 96 टी इक्वल टू यहाँ से 9110 प्लस 91t, यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे 91t इधर आ जाएगा, तो 96 माइनस 91 इज इक्वल टू 5t एंड 910 माइनस 800 सो 110, टी की वैल्यू यहाँ से आ गई 20 ईयर्स, यानी कि 20 ईयर्स बाद दोनों का अमाउंट जो है इक्वल हो जाएगा. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज अ पर्सन डिपॉजिटेड रुपीज 400 फॉर 2 ईयर्स, रुपीज 550 फॉर 4 ईयर्स एंड रुपीज 1200 फॉर 6 ईयर्स. ही रिसीव्ड द टोटल सिंपल इंटरेस्ट फॉर रुपीज 1020. द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इन ईच केस इज सेम, मतलब कि दोनों मतलब कि जितने भी केस हैं यहाँ पर सभी में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है. लेट कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R%. सो 400 का और 2 ईयर में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, लेट कर लेते हैं R%, तो 400 इंटू 2 इंटू R%, यानी कि यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा इसका 8R एंड इसका कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 22R एंड यहाँ से इसका सिंपल इंटरेस्ट 72R. टोटल सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवेन है तो हम सभी से इंटरेस्ट को हम ऐड कर देते हैं. सो 8R प्लस 22R प्लस 72R इक्वल टू 1020. इन सबको ऐड कर लेते हैं, 72 प्लस 8 80 एंड 22 को ऐड करते हैं 102R एंड गिवन है 1020. सो R की वैल्यू यहाँ से 10% आ गया, तो जो ईच रेट ऑफ इंटरेस्ट था सभी का जो इंटरेस्ट था वो 10% हो जाएगा. ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. इसको हम लोग ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने अगर हम 10% से ले लेते हैं इसको तो यहाँ पर पहले वाले केस का कितना सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 80R और दूसरे का 550 इंटू 4 इंटू 10 तो हो जाएगा ये 220R एंड 220 एंड इसका 1206 ईयर एंड 10% इंटरेस्ट 72, इन सबको ऐड करेंगे 1020 जो कि हमें ऑप्शन क्वेश्चन में गिवन है. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. अगर हम एज्यूम कर लेते हैं हम 10% नहीं लेते हैं, हम 15% ले लेते हैं,
15% से हमारा जो है आंसर जो भी सिंपल इंटरेस्ट होगा वो इससे ज़्यादा आ जाएगा। सो हम एज्यूम कर सकते हैं कि 10% या 5% हो सकता है, बट 5% से बहुत ही कम हो जाएगा। सो हम 10% फुट करके देख लेंगे, हम ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times ऑफ इट्सेल्फ इन 20 years एट सिंपल इंटरेस्ट। इन हाउ मैनी ईयर्स डज इट बिकम डबल ऑफ इट्सेल्फ एट सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। लेट कर लेते हैं, पहले जो है हमारे पास प्रिंसिपल 100 था, अब वो 3 times हो जाता है, यानी कि अमाउंट जो है वो 20 ईयर में कितना हो जाता है, 3 times हो जाता है, यानी कि 300 से 300 हो जाता है, यानी कि इंटरेस्ट हमें कितना मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल गया 200 का सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। सो हम यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालना चाहें तो सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल टू P कितना था, 100 R एंड 20 ईयर्स हमें गिवेन है, तो यहाँ से R की वैल्यू हम निकाल लेंगे, R जो है 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाएगा। देन बोला गया है हाउ मैनी ईयर्स डज इट बिकम्स डबल ऑफ इट्सेल्फ, वो कितने साल बाद डबल हो जाता है, यानी कि 100 था अब वो 200 हो गया एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 10% के इंटरेस्ट पर। पहले हमारा यहाँ से SI कितना हो जाएगा, यहाँ से SI 100 SI, प्रिंसिपल है 100 एंड R जो है 10% एंड T हमें फाइंड करना है। सो यहाँ से T इक्वल टू 10 years। सो ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। इसका एक मेथड और ऐसे हो सकता है, इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले बेस से भी सॉल्व कर सकते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन है, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है n1 - 1 upon t1 = n2 - 1 upon t2। n1 हमारा जो है 3 times हो जाता है, n जो होता है टाइम्स को रिप्रेजेंट करता है, 3 times मतलब कितने टाइम्स वो हो गया है, 3 - 1। t1 कितना है, 20 years, 20, अब 2 times हो जाता है बाद में डबल इट्सेल्फ, सो 2 - 1 कितने ईयर में वो हमें फाइंड करना है, t2 की वैल्यू में फाइंड करनी है। सो यहाँ से 2 upon 20 = 1 upon t2, यहाँ से t2 की वैल्यू आ गई 10 years। सो ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 8 months एट 4% पर एनम इज ₹129 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 15 months एट 5% पर एनम द सम इज। तो हम लेट कर लेते हैं जो सम है या प्रिंसिपल है, लेट सम इक्वल टू ₹P। सो पहले इसको सिंपल मेथड से देखते हैं, पी 15 months एट 5% एनम, यानी कि 15 months एंड 5% एनम 15 months में है, तो ईयर में ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस इसलिए क्योंकि इस ये लेस देन हो जा रहा है, 120 लेस देन, दोनों का डिफरेंस है। सो पी इंटू 8 months एंड 4% एनम, सो 100 इंटू 12 ये किसके इक्वल है, 129 के। सो यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं, से 15 × 5 = 75 and 8 × 4 = 32 P = 129। हम इसको इधर भेज लेते हैं इंटू 100, 75 P - 32 5 में से 2 3 एंड 7 × 3 = 4 तो 43 P = 129 × 12 × 100। यहाँ से हम 43 से सॉल्व करते हैं,
43 एंड 3 टाइम्स जाएगा, सो पी की वैल्यू यहाँ से आ गई 3600। सो प्रिंसिपल जो हो जाएगा हमारा 3600 3600 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये तो था सिंपल मेथड। एंड इसका दूसरा मेथड देखते हैं, 8% पर एनम, 8% मंथ है, 4% पर, यानी कितने परसेंट यहाँ से हमें इंटरेस्ट मिला, सिंपल इंटरेस्ट 32। एंड यहाँ से 15 मंथ्स एट 5% एनम, 5% पर एनम, सो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 75% माइनस कर लिया, ये किसके इक्वल हो जाएगा 129। ये था मंथली का, तो हमने यहाँ से एनुअल का निकाल लिया, 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से 43% एंड ये किसकी इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 129 × 12। यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल ली, 1% की वैल्यू आ गई 3 × 12, सो 1% 36। प्रिंसिपल हमारा 100% होता है, तो 100% इज इक्वल टू 36 × 100, यानी कि 3600। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4th। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज मोहन लेंट सम अमाउंट ऑफ मनी एट 9% सिंपल इंटरेस्ट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एट 10% सिंपल इंटरेस्ट ईच फॉर 2 years, दोनों ही 2 साल के लिए हैं। इफ़ हिज टोटल इंटरेस्ट वॉज ₹760, वॉट अमाउंट वॉज लेंट इन ईच केस, उसने जो है कितना अमाउंट ईच केस में किया था। तो लेट कर लेते हैं, लेट सम इज इन, सम इज ईच केस इज इक्वल टू पी। पहले केस में 9% सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर के लिए, एंड दूसरे केस में पी इंटू 10% सिंपल इंटरेस्ट, ये भी 2 ईयर्स के लिए। टोटल इंटरेस्ट कितना था 760, यहाँ से इसको हम 2p कॉमन ले लेते हैं, एंड 9 + 10 इक्वल टू 76 × 100, 9 10 और प्लस 19 पी इक्वल टू 76 × 19, हम 2 से डिवाइड कर दें तो इसको, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से 2, यानी कि पी इक्वल टू 2000 rupees। ईच केस में हमारा जो है प्रिंसिपल जो है वो 2000 rupees है। अनदर मेथड इज सम अमाउंट 9% सिंपल इंटरेस्ट एंड सम अमाउंट इज 10% सिंपल इंटरेस्ट, दोनों ही 2 साल के लिए, यानी कि 9% 2 साल के लिए लगा कितना सिंपल इंटरेस्ट 18। हो गया। एंड दूसरा 10%, ये भी 2 साल के लिए, यानी 20% हो गया। टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमें गिवन है 760, इन दोनों का सम 38% एंड 760 के इक्वल, यहाँ से 1 कितना होगा 760/38, यानी कि 1 = 20 एंड 100 = 2000। सो प्रिंसिपल इन ईच केस इज 2000। ये था अगर हमने जब दोनों ही 2 साल का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया था। अगर हम 1 साल को लेकर भी चलें तो 9% फर्स्ट ईयर का एंड सेकेंड ईयर का, यानी कि दूसरा जो अमाउंट था वो 10 लगा था। 760 हमें 2 साल में मिला था, यानी कि 1 साल में हमें कितना मिल जाएगा 380। सो 19 = 380 एंड 1 = 20 एंड 100 = 2000, यहाँ से भी हमारा आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर सिक्स इज अभय गेव रुपीज 1200 ऑन लोन सेम अमाउंट ही गेव एट 4% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग एट 5% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर टू ईयर ही गॉट रुपीज 110 एज इंटरेस्ट देन द अमाउंट्स गिवन एट 4% एंड 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एज रिस्पेक्टिवली यानी कि हमें 4% एंड 5% पर कितना इंटरेस्ट हमें मिला वो हमें फाइंड करना है सो हम लेट कर लेते हैं जो प्रिंसिपल है वो एक्स होता है सो एक्स इंटू एक्स अमाउंट लगा एंड जो 5% पर अमाउंट था वो हम लेट कर लेते हैं ये ठीक है सो एक्स इंटू 4 × 2 दो ईयर्स के लिए था 100 प्लस ये दूसरा अमाउंट कितने परसेंट पर 5% एनम पर दो साल के लिए 100 टोटल इंटरेस्ट हमें कितना मिला 110 सो यहाँ से 8x प्लस हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये और माइनस का 10x इज इक्वल टू 110 × 100 यहाँ से अगर हम इसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं ये उधर जाएगा तो लेस हो जाएगा ओवरऑल बचेगा 2x इज इक्वल टू 1000 एक्स की वैल्यू यहाँ से 500 एंड रिमेनिंग अमाउंट सेवन हंड्रेड एंड 500 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट अनदर मेथड इज पहला जो सम अमाउंट था वो 4% पर मिला था एंड जो रिमेनिंग अमाउंट था वो 5% एनम पर लगाया था टोटल इंटरेस्ट हमें 110 का मिला टोटल इंटरेस्ट जो भी कंबाइन होता है हम उसको यहाँ पर लिखते हैं सो टोटल इंटरेस्ट 110 का बट ये जो इंटरेस्ट था वो पूरे दो साल का था सो 2 एंड कहाँ से मिला हमें यहाँ से मिला यहाँ का अगर परसेंटेज निकाल लें तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं सो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा नाउ हम इसको थोड़ा क्लियरली इधर लिख लेते हैं 4% 5% एंड 55 बाई 12% अब यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगा देते हैं 5 − 55/12 एंड 55/12 − 4 यहाँ से इसको सॉल्व करके रेशियो निकालते हैं 12 × 5 = 60 यानी 5/12 एंड 55 − 48 7 × 12 रेशियो कितना आ गया 5/4 5/7 अब टोटल अमाउंट हमें मालूम था कितना था ये था 1200 एंड टोटल सम ऑफ द रेशियो कितना है 12 सो 12 इज इक्वल टू 1200 यहाँ से 1 की वैल्यू आ गई 100 अगर हमें 4% पर कितना अमाउंट लगा था 4% का डाटा ये गिवन है एंड 5% का डाटा ये गिवन है सो 4% पर हमारा 5 का रेशियो लगा था यानी कि 500 एंड 5% पर 7 का डाटा गिवन यानी 700 4% पर ये था एंड 5% पर ये था सो 500 एंड 700 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर इज करेक्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 अ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 इयर्स इन हाउ मेनी इयर्स इट विल बी 5 टाइम्स सेम फार्मूला वही लगा देंगे जो ऊपर लगाया था n − 1/t1 = n·2 − 1/t2 यहाँ से n1 की वैल्यू यानी कि कितना हो जाता है डबल इटसेल्फ यानी कि 2 − 1/ कितने साल में 8 साल में एंड 5 टाइम्स हो जाना है यानी कि 5 − 1/t2 1/8 = 4/t2
यानी कि टी टू की वैल्यू 32 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज ए लेंट रुपीज 5000 टू बी फॉर 2 ईयर्स एंड रुपीज 3000 टू सी फॉर 4 ईयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिसीव्ड रुपीज 2200 इन ऑल फ्रॉम बोथ एज इंटरेस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दोनों पर ही जो है इंटरेस्ट सेम है, तो लेट कर लेते हैं, लेट इंटरेस्ट इक्वल टू आर परसेंट। सो फर्स्ट केस में कितना इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा, 5 × 2 यानी कि 100 आर, एंड यहाँ से 4 × 3 = 120 आर। टोटल हमें इस सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला वो हमें गिवन है, हमारी तरफ से ये इंटरेस्ट निकला और क्वेश्चन में कितना गिवन है 2200, यानी कि यहाँ से अगर हम इसको ऐड करें 220 आर इक्वल टू 2200, यहाँ से आर कितना आ जाएगा 10%। इजी। सो ऑप्शन नंबर डी इसका जो बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड से अगर करेंगे तो 5 × 2 ईयर्स के लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, लेट कर लेते हैं आर है अपॉन 100 प्लस 3000 × r, दोनों पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसलिए r इंटू 4 ईयर के लिए। टोटल हमें गिवन कितना है, यहाँ से x की वैल्यू r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 100 आर एंड 120 आर इक्वल टू 220, वही आ जाएगा r की वैल्यू 10%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज गोपाल लेंड रुपीज 5000 इनटू टू पार्ट्स टू टू मैन, वन एट 4% एंड अनदर एट 5%। आफ्टर 1 ईयर्स ही गेन्स द इंटरेस्ट एट 4.2% पर एनम ऑन द टोटल मनी, फाइंड द मनी लेंड ऑन 4%। टू पार्ट्स में लगा देता है 4% एंड अनदर इज 5%। ओवरऑल जो टोटल हमें इंटरेस्ट मिलता है वो कितना हो जाता है 4.2%। तो यहाँ से सिंपल एलिगेशन का मेथड लगा लेते हैं, यहाँ पे 0.2 एंड इधर 0.8, 4.4:1। टोटल सम हमें 5000 गिवन है एंड टोटल सम ऑफ रेशियो 5 = 2 एंड 1 = 1000। पूछा गया आपका 4% का, तो 4% का रेशियो ये गिवन है यानी 4 = 4000। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 16200 एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स ऑफ 25% पर एनम, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हमें जो है वो गिवन है 16200। What is the difference between the compound interest and simple interest calculated on amount? Total amount हमें given है 16200 at the end of 3 years of 25%. 2 साल का compound interest and simple interest का formula होता है PR² / 100² and 3 साल का यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि CI - SI का 3 साल का जो difference का formula होता है PR²
100 का क्यूब इंटू 300 प्लस आर। हमें ये फाइंड करना है सी आई माइनस एस आई। सो सी आई माइनस एस आई स्क्वल टू पी कितना गिवन है 16200 आर परसेंट आर स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर 625 अपॉन 100 का होल क्यूब इंटू 300 प्लस आर यानी 325। यहाँ से इसको अगर सॉल्व करें तो 16200 से अगर हम नीचे एक जीरो काट देते हैं एंड 25 से काट देते हैं तो 25 एंड 400 ये रिमेनिंग बचेगा एंड 325। यहाँ से एक बार अगर हम इससे और काट दें डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 162 इंटू 16 इंटू 325 एंड 2 8 16 1 8 1 इंटू 325। हमें आंसर चाहिए राउंड ऑफ में सो हम लेट कर लेते हैं। अगर हम 8 को इससे डिवाइड करें तो कितने टाइम्स जाएगा 10 पॉइंट समथिंग में कुछ प्लस जाएगा। सो अगर हम इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं तो 3250 और हमें इससे प्लस वैल्यू में भी कुछ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3250 से हल्की सी वैल्यू कुछ बड़ी आएगी ग्रेटर आएगी। तो हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं 3250 से कौन सी वैल्यू बड़ी है। 3250 से ये छोटा है ये आंसर नहीं होगा। 3250 के अप्रॉक्स में ये ऑप्शन नंबर डी है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज आ मनी लेंडर बोरोस सम मनी एट 4% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट एंड ही लैंड्स इट 6% पर एनम हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रिसीव द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। इन दिस वे ही गेन्स रुपीज़ 104.50 टोटल गेंस इसको 104.50 आफ्टर एक साल बाद उसे इतना गेन हो जाता है। द अमाउंट ऑफ मनी ही बोरोज उसने कितना मनी जो है बोरो किया था। तो लेट कर लेते हैं लेट बोरोड मनी स्क्वायर टू एक्स रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का ज़्यादा होता है। एक साल में तो दोनों का सेम ही होता है एसआई और सीआई का बट दो साल में कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा जो है एसआई से ज़्यादा होता है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट एक्स इंटू 6% पर एनम था हाफ ईयरली अगर लगाते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3% यानी कि 103 अपॉन 100 इंटू दो साल के लिए यानी हाफ ईयरली एक साल में दो बार होगा ना तो 103 अपॉन 100 ये हो जाएगा सी आई। एंड एस आई एक्स इंटू 4% पर लगाते हैं एक साल के लिए 100 इसका जो भी गेन है कितना है 104.50। यहाँ से सॉल्व करते हैं एक्स इंटू 103 यानी कि 103 में 103 ऐड किया 106 एंड 339 यानी कि इसका मल्टीप्लाई किया इसका टोटल जो हो जाएगा 10609 एंड जब एलसीएम लेंगे तो इधर भी ये हो जाएगा कॉमन एक्स को पहले बाहर लेते हैं माइनस 4x यानी कि अगर एलसीएम पूरा जाएगा तो इधर 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 400x एंड स्क्वायर टू 10450 एंड 100। सो यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको x हो जाएगा 609x माइनस 400x स्क्वायर टू
10450000। यहाँ से इसको सॉल्व किया 209x इक्वल टू 1045, कितना टाइम्स, फाइव टाइम्स आ रहा है, 5 9 45 एंड 5 2 10, सो x की वैल्यू यहाँ से 5000 रुपीज़, यानी कि उतना अमाउंट इसने बोरो किया था। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ये तो था सिंपल मेथड, बेसिक मेथड। इसको अगर हम लॉजिक से करें, सो हम लेट कर लेते हैं, जो अमाउंट हमने बोरो किया था वो है 100 रुपीज़, यानी कि SI पर अगर हम लगाते हैं तो SI का एक साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, SI का 4%, यानी कि 4 हो जाएगा। एंड जब CI पर लगाते हैं तो CI पर हाफ ईयरली यानी 3%, यानी 3 एंड 3, एंड इसको ऐसा करते हैं पॉइंट से बचने के लिए हम इसको ये कर लेते हैं, तो SI जो है एक साल का 400 एंड CI 300 दूसरे साल का, यानी हाफ ईयरली यानी 2 times होगा, एंड 3% फिर तो 9, यानी टोटल SI जो हमें मिल जाएगा वो 609 एंड SI 40। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा 104.50। यहाँ से डिफरेंस लिया 209 इक्वल टू 104.50 एंड 1 की वैल्यू 1 की वैल्यू हो जाएगी 104.50 डिवाइडेड बाई 209। एंड हमें फाइंड क्या करना था, हमने अमाउंट कितना मान लिया था, प्रिंसिपल कितना माना था, ये माना था, तो यहाँ से 104.50 इंटू ये कर लेते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, सो यहाँ से सीधे इधर 5000 आंसर हो जाएगा। सो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द इंटरेस्ट अर्न्ड व्हेन रुपीस पी इज इन्वेस्टेड फॉर 4 years इन अ स्कीम ऑफरिंग 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज मोर बाई ₹360 देन द इंटरेस्ट अर्न्ड व्हेन द सेम सम रुपीस पी इज इन्वेस्टेड फॉर 2 years इन अनदर स्कीम ऑफरिंग 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। वॉट इज द वैल्यू ऑफ पी, प्रिंसिपल कितना था वो हमें फाइंड करना है, सेम सम यानी दोनों में ही प्रिंसिपल जो है वो सेम है। सो प्रिंसिपल सेम है यानी कि हम बोल सकते हैं कि 9% 2 साल के लिए लगा, 9% 4 years के लिए, यानी टोटल इंटरेस्ट हमें कितना मिला, 9 4 36 एंड 2 years के लिए लगा 12%, यानी कि टोटल इंटरेस्ट 24। एंड कितना ज़्यादा हो जाता है, ₹36, यानी कि हम यहाँ से डिवाइड कर दें, सो यहाँ से उसको सबट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 36 माइनस 24 यानी कि 12 इक्वल टू 36 एंड 1 इक्वल टू 3, 100 इक्वल टू 3000। ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12। बेसिक मेथड इसका ये है, लेट कर लेते हैं पी जो है सेम वो प्रिंसिपल था, तो पी इंटू 9 into 4 100 एंड माइनस पी इंटू 12 into 200 इक्वल टू 360, यहाँ से 36 एंड 24 पी इक्वल टू 36 into 100, 36 minus 24 12 P एंड 36 into 100
थ्री टाइम्स जाएगा, यानी कि पी जो हो जाएगा वो 3000 रुपीज़। तो ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट फॉर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज अ मैन गेट्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1000 ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इन 4 ईयर्स। वॉट कंपाउंड इंटरेस्ट विल द मैन गेट ऑन ट्वाइस द प्रिंसिपल इन 2 ईयर्स एट द सेम रेट। इंटरेस्ट उसे इतना मिल जाता है, तो एस आई का फॉर्मूला लगा देते हैं, पी आर टी अपॉन 100। एस आई कितना मिला, 100 इक्वल टू प्रिंसिपल लेट कर लेते हैं, एंड आर हमें है 5% पर एनम 4 ईयर्स के लिए। यहाँ से पी स्क्वायर टू कितना हो जाएगा, 5000 रुपीस। फिर बोला है व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट विल द मैन गेट ऑन द ट्वाइस द प्रिंसिपल। ट्वाइस द प्रिंसिपल हो जाता है, ट्वाइस हो गया, प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल इतना हो गया इन टू कंपाउंड इंटरेस्ट में उसे कितना 2 साल बाद कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा। 2 साल बाद यानी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर पर रेट है उनका सेम रेट है, यानी 5% पर एनम। तो 10,000 का 5% पर एनम पहले साल में 5% निकाला तो 500, एंड दूसरे साल के लिए आल्सो 500। अब कंपाउंडेड इंटरेस्ट जो है वो होता है, वो कंपाउंडेड होता है, तो 500 का 5% फिर से निकालेंगे, 500 का 5% 25। तो टोटल जो है CI 2 साल का कितना हो जाएगा, 1025। सो 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट 1025 रुपीज़। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, वीना ऑब्टेन रुपीज 8376 एज सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट 8% पर एनम आफ्टर 6 ईयर्स। व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय वीना। मतलब कि टोटल इनिशियल में कितना अमाउंट या प्रिंसिपल बोले तो कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है वीना ने। SI इज इक्वल टू PRT वाला फार्मूला, 8376 सिंपल इंटरेस्ट में मिला है, प्रिंसिपल हम लेट कर लेते हैं जो कि हमें फाइंड करना है, 8 6 ईयर्स के लिए 100। 8 से अगर डिवाइड करें सो 1032 4 times 4 and 7 इक्वल टू 6P 100। यहाँ से 6 से अगर डिवाइड कर दें 2 से तो 550, एंड 3 से इसको डिवाइड करें 3 3 9 4 and 3 9 27। सो पी स्क्वायर टू 349 into 50। पी की वैल्यू 5 9 5 9 45 एंड 5 4 20 एंड 24 17 4 5 and 0। ये सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज क्वेश्चन नंबर 15, अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू रुपीज 720 आफ्टर 2 ईयर्स एंड 2 rupees 1020 आफ्टर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। द सम इज, सम हमें फाइंड करना है, लेट सम इज इक्वल टू पी रुपीज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर परसेंट।
720 हमें 2 ईयर्स में मिला है, सो 720 टोटल अमाउंट हमें मिला है प्रिंसिपल प्लस SI, SI इज इक्वल टू PR, रेट हमें फाइंड है, रेट हमें नहीं फाइंड है, ईयर हमें फाइंड है, सो 2 PR इज इक्वल टू अपॉन 100। यहाँ से 720 माइनस पी स्क्वल टू 2 PR अपॉन 100, ये हो गया। अब फर्दर जो 5 ईयर्स के लिए अगर और लगा देते हैं, यानी टोटल 7 ईयर्स के लगा देते हैं, सो टोटल अमाउंट हमें कितना मिल जाता है, 1020 स्क्वल टू प्रिंसिपल प्लस टोटल ईयर 7 PR अपॉन 100। यहाँ से 1020 माइनस पी स्क्वल टू 7 PR अपॉन 100, ये हो जाता है इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो अगर हम रेशियो के फॉर्म में या डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएगा दोनों से, यानी कि 2/7 स्क्वल टू 720 माइनस पी एंड 1020 माइनस पी। इसको इधर सॉल्व करते हैं, 2040 माइनस 2P स्क्वल टू एंड 5040 माइनस 7P, 7P को इधर ले आते हैं तो 7P माइनस 2P स्क्वल टू 5P स्क्वल टू 5040 माइनस 2040 स्क्वल टू 3000। सो P की वैल्यू यहाँ से 600, यानी कि जो इनिशियल में जो अमाउंट था प्रिंसिपल था वो 600 हो जाएगा जो सम था। सिंपल मैटर था, थोड़ा लेंदी मैटर था, हम अगर इसको बेसिक से सॉल्व करते हैं, थोड़ा ट्रिक से सॉल्व करते हैं, तो हम 7 ईयर में हमें टोटल कितना रुपीज़ मिल गया था, टोटल अमाउंट कितना था, 10 था। 7 ईयर्स में अमाउंट हमें 1020 मिला था, एंड 2 ईयर्स में कितना था, 2 ईयर्स में अमाउंट था 720। अब सिंपल इंटरेस्ट में जो भी डिफरेंसेस आते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट के आते हैं, बिकॉज जो प्रिंसिपल था वो तो दोनों ही केस में सेम रहता है, तो जो भी डिफरेंस आएगा यहाँ पर वो किसका हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का। यानी कि 7 ईयर्स का अमाउंट ये था, 2 ईयर्स का अमाउंट ये है, यानी कि 5 ईयर्स जो भी सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 300, यानी 5 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट 300 था। सो अगर हम यहाँ से दो साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 5, इसको डिवाइड करें 1 ईयर का 60 एंड 2 साल 2 ईयर का 120, 2 ईयर का SI में 120 मालूम हो गया, एंड 2 ईयर्स का अमाउंट जो था वो कितना था, 720 था। तो यहाँ से हम अगर प्रिंसिपल निकालना चाहें, प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट माइनस SI, अमाउंट हमें 2 साल का गिवन है 720 एंड SI हमें भी 2 साल का मालूम है कितना, 120। सो जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो इसको लेस कर दें, यानी कि 600, प्रिंसिपल हमारा 600 आ गया। ये इजी मैटर था, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन एंड वीडियो को इसी के साथ क्लोज करते हैं, सो थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू bankersadda.com। This is the session for English language. Today we are going to discuss the English quiz for IBPS exams 2019. The quiz is for 5th of February. There is a program going on, Kar IBPS 2019 Fateh. Ye aapka 6 months ka preparation plan hai if you want to crack IBPS exams 2019. And this is the day 13 for the प्रोग्राम। आपको डेली क्विजेज मिलेंगी, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड एंड वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फिलर्स। लेट्स स्टार्ट। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस देयर इज अ ब्लैंक स्पेस। बिलो इट्स सच सेंटेंस देयर आर 5 ऑप्शंस विद 1 वर्ड ईच।
Fill up the blank with the word that makes the sentence grammatically and contextually correct. Since I bear no dash towards you, I do not understand why we cannot be friends. हम दोस्त नहीं बन सकते जबकि मैं तुम्हारे अगेंस्ट कुछ नहीं रखता. क्या नहीं रखता? कुछ इल विल नहीं रखता, कुछ बुरी भावना नहीं रखता. Towards you, I don't understand why we cannot be friends. ऐसा कुछ आना चाहिए. If you see, malice. Malice का मतलब होता है desire to harm someone or ill will. Okay. So, आपको मिल गया malice जो है यहाँ पर correctly fit होगा. Poster नहीं होगा, pivotal, hostage और ammunition तो बिल्कुल ही relevant है. Malice. Next, what was supposed to be a civil debate, जो civil debate होनी चाहिए, turned into a debate reaching dash levels, ending with both participants screaming obscenities. Scream कर रहे हैं, यानी वो बहुत ही कुछ hostile सी हो गई थी, तो pleasant नहीं होगा, sharply और harshly नहीं है. Vitriolic, if you see, vitriolic का मतलब होता है filled with bitter criticism. ठीक है, तो ऐसा हार्श सा हो गया था, तो कितने कैसे लेवल्स पे पहुंच गया? विट्रियोलिक लेवल्स. नेक्स्ट, द डिसीटफुल कल्ट लीडर टॉक्ड अबाउट द नीड फॉर एन डैश ऑफ वेल्थ व्हाइल स्टीलिंग मनी फ्रॉम हिज फॉलोअर्स. एन है, ये तो हटी गए. ठीक है, एन एम्यूज ऑफ वेल्थ नहीं होगा. एबोरेंस का मतलब देखें, वो डिसीटफुल था लेकिन तब भी वो कैसी बात कर रहा था. एबोरेंस का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ रिवल्जन. वो एक रिवल्जन की फीलिंग की बात कर रहा था अगेंस्ट वेल्थ. ठीक है, तो एबोरेंस ऑफ वेल्थ सी आ जाएगा. क्वेश्चन 4, अ डैश क्रॉस द बास्केटबॉल प्लेयर्स फेस व्हेन ही मिस्ड द क्रूशियल शॉट. मिस कर दिया तो यानी वो खुश तो नहीं होगा, तो फेस पे उसके क्या आया होगा? पाउट नहीं आया होगा, विंस्ड भी नहीं आया होगा, स्नियर्ड भी नहीं है, ग्रिम्स, ग्रिमेस. ग्रिमेस का मतलब क्या होता है? एन अगली एक्सप्रेशन शोइंग डिसगस्ट या पेन. ठीक है, अगली एक्सप्रेशन शोइंग डिसगस्ट या पेन. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अगर आपका इंग्लिश सेक्शन वीक है तो आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा मोर एंड मोर. और किससे करना होगा? मतलब लेटेस्ट पैटर्न पे करना होगा. ठीक है, तो सेक्शनल टेस्ट की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हियर इज अ टेस्ट सीरीज बाय अड्डा 247. इंग्लिश कर इंग्लिश फतेह, आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए. उसका आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेगा. बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम्स में ये हेल्पफुल है. मोर देन 600 प्लस क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे. तो अगर आपको इंग्लिश सेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी. नेक्स्ट, अपसेट एंड स्काउलिंग द एंग्री वुमन नेवर स्माइल्स बट वॉक्स अराउंड विद अ डैश फ्राउन ऑन हर फेस. Angry women never smiles but walks around with a dash frown. Frown कोई अच्छा तो नहीं होगा, तो cheerful, social नहीं होगा. ठीक है, harmonious भी नहीं. Sullen. Sullen का मतलब होता है bad tempered, मतलब एक गुस्से वाला frown. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा correct. Since my sister and her husband dash wasteful spending, they debate the value of every purchase they make. ठीक है, तो वो क्या करते होंगे? वो डिटेस्ट करते होंगे, मतलब डिसलाइक. वो डिसलाइक करते हैं वेस्टफुल स्पेंडिंग, इसीलिए वो डिबेट करते हैं एवरी परचेज दे मेक. तो ये रेलेवेंट है. लाइक्ड, प्रेफर्स और एडमायरिंग यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन 7, अ डैश र्यूमर स्वर्ल्ड अराउंड कैंपस दैट अ टीचर हैड स्लेड अ स्टूडेंट आफ्टर द स्टूडेंट थ्रेटन टू रिपोर्ट हिम टू द पुलिस. जेंटल रूमर नहीं होगा, एरोगेंस नहीं होगा, बेनेवोलेंट नहीं होगा. विशियस का क्या मतलब होता है? क्रूअल या वायलेंट. तो एक ऐसा रूमर जो कि क्रूअल या वायलेंट था. हाँ, क्योंकि मारने की बात हो रही है स्टूडेंट को, तो ये क्रूअल या वायलेंट रूमर ही है. इवन आफ्टर बीइंग सेंटेंस्ड फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट द डैश मैन वाज नॉट सॉरी फॉर हिज क्राइम्स. लाइफ इम्प्रिजन भी हो गया तब भी कैसा मैन है वो, कि वो सॉरी नहीं फील कर रहा. तो वो रिमोर्सफुल नहीं है, वो शेमफुल भी नहीं है, वो अपोलोजाइज भी नहीं कर रहा. तो वो है इम्पेनिटेंट. इम्पेनिटेंट का मतलब होता है जो शेम या रिग्रेट ना फील करे. नॉट फीलिंग शेम और रिग्रेट. ओके, क्वेश्चन 9, इवन दो शी अपीयर डैश माई टीचर वॉज अ वेरी काइंड वुमेन.
even though she appeared ornate. ऑर्नेट नहीं होगा, जीनियल जेंटल नहीं है, मिंगल नहीं है, ऑस्टर काइंड वुमेन है, पर उसका अपियरेंस कैसा होगा, नेगेटिव होगा. तो ऑस्टियर का मतलब होता है स्ट्रिक्ट. ठीक है. क्वेश्चन 10. इवन दो द डिपार्टमेंट वेल अपार्टमेंट इवन थ्रू द अपार्टमेंट वेल वॉल्स जैक वॉज एबल टू हियर द डैश आर्ग्यूमेंट बिटवीन हिज नेबर. आर्ग्यूमेंट है तो कोई सॉफ्ट आर्ग्यूमेंट नहीं होता है. एंडियोर यहाँ पर नहीं आएगा. ठीक है. डुलसेट नहीं आएगा. डिसेंबल नहीं आएगा. स्ट्राइडेंट का क्या मतलब है? स्ट्राइडेंट का मतलब होता है लाउड एंड हार्श. तो ये बहुत परफेक्टली क्वालिफाई करता है एक आर्ग्यूमेंट को. तो आपका आंसर होगा स्ट्राइडेंट आर्ग्यूमेंट. द ट्रबल्ड टीनेजर रैन अवे फ्रॉम होम बिकॉज ही वाज टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू डैश कमेंट्स फ्रॉम हिज मदर. कैसे कमेंट्स अच्छे नहीं होंगे तभी वो टायर्ड हो गया. इफ यू सी कार्पिंग, कार्पिंग का क्या मतलब होगा? क्रिटिकल या डिफिकल्ट टू प्लीज या जो अच्छे नहीं लगते. कॉम्प्लीमेंट देने से तो भागेगा नहीं, रिग्रेट नहीं और ब्रूड नहीं. तो आंसर आपका जो होगा वो होगा कार्पिंग. Question 12. The dash old lady shouted at the kids to get off her lawn, even though they only stepped on it for a moment to grab their ball. तो कैसी लेडी होगी? फ्रेंडली नहीं होगी. शाउट किया है तो ठीक है, एरोगेंस नहीं आएगा. अब ऑर्डनरी या वेस्टिजियल, तो अगर आप देखेंगे ऑर्डनरी वेस्टिजियल यहाँ पर इरेलेवेंट है. ऑर्डनरी, ऑर्डनरी का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड. तो वो शाउट कर रही है मतलब वो बैड टेम्पर्ड है. ठीक है. तो वेस्ट आपका ऑर्डिनरी यहाँ पर करेक्ट है. क्वेश्चन 13. ऑल्दो दिस हाईवे इज अ ब्यूटीफुल ड्राइव यू हैव टू स्टे डैश फॉर डियर एंड अदर एनिमल्स ऑन द रोड. यू हैव टू स्टे क्या? विजिलेंट. ठीक है. विजिलेंट का मतलब होता है कीप अ केयरफुल वॉच. कीपिंग केयरफुल वॉच मतलब केयरफुल रहना पड़ेगा. ऑब्जर्व नेग्लिजेंस और अमेजिंग यहाँ पर ठीक नहीं है. क्वेश्चन 14. Although Jennifer was a dash student, she still had difficulty organizing her essay. Although Jennifer was a dash student, कैसा? अगर आप देखें meticulous, meticulous means who gives showing great attention to every detail, जो पूरा detail में हर चीज को note करे. तो although she was a meticulous student, she had difficulty organizing her essay. Tino irrelevant. Last question for the day. The boy jumped up and down with dash and as he inched closer to the candy store. Khushi hoga. Theek hai. Khushi se he jumped up and down. To willing nahi hoga, enthusiast nahi aayega, apathy nahi aayega. Alacrity ka matlab hota hai brisk and cheerful readiness. ठीक है. खुशी से, चीयरफुलनेस से ही जंप्ड अप एंड डाउन. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. एवरीवन, वेलकम टू बैंकर्स अड्डा. टुडे इज डे 13 ऑफ कर आईबीपीएस 2019 फतेह. आज की फाइल इनइक्वालिटीज बेस्ड है. Directions 1 to 5. In these questions, relationship between different elements is shown in the statements. These statements are followed by conclusions. You have to find out which of the conclusions follow or not from the given statements. Now, question number 1. Q is less than O, which is equal to J, greater than equal to P. P is greater than equal to N. N is less than equal to T and equal to Z. Conclusion 1, Q is greater than T. So, dekhen to directions opposite direction, symbols opposite direction mein hai. Isliye ye conclusion hamara follow nahi hota hai. Second conclusion, Z is greater than equal to T, Q. Again, opposite direction mein.
लेकिन सिंस टी जो है वो इक्वल टू जेड है, इसीलिए ये दोनों केसेस में हमारा आइदर और लगेगा। क्वेश्चन नंबर टू, यू इज ग्रेटर देन सी विच इज लेस देन इक्वल टू टी विच इज इक्वल टू वाई, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई विच इज ग्रेटर देन यू, m is greater than q which is equal to r and p is greater than m. conclusion 1, p is greater than u, to clearly dekh sakte hain ki p greater than u hai. conclusion 2, q is greater than equal to t, to q yahan hai t yahan hai, symbols opposite ho gaye hain isliye ye conclusion hamara follow nahi karta hai, isliye ऑप्शन ए दैट इज ओनली फर्स्ट इज ट्रू हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थ्री, डी इज लेस देन इक्वल टू जी विच इज लेस देन टी लेस देन इक्वल टू पी, पी इज लेस देन डब्ल्यू विच इज ग्रेटर देन के। कंक्लूजन 1, के इज ग्रेटर देन पी, तो हम देख सकते हैं कि सिंबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं होता है। सेकंड कंक्लूजन, डी लेस देन डब्ल्यू, क्लियरली सेम डायरेक्शन में सिंबल और ये भी है, इसलिए ये कंक्लूजन हमारा फॉलो होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, यू इज लेस देन सी विच इज लेस देन इक्वल टू टी विच इज इक्वल टू वाई, R is greater than equal to E greater than U. Now R is equal to Q which is less than M and P is greater than M. Conclusion 1, E is greater than T. तो अगर देखें तो सिंबल ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं होगा। सेकेंड कंक्लूजन देखें, Y is greater than equal to E. सो इधर भी देखें तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन टी और यू, टी और वाई सिंस इक्वल है, इसलिए इन दोनों केसेस में हमारा आइदर और लगेगा, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, जी लेस देन टी लेस देन इक्वल टू पी लेस देन डब्ल्यू एंड ग्रेटर देन के, तो ये हो गया है। कंक्लूजन 1, पी इज लेस देन, पी इज ग्रेटर देन के, तो क्लियरली सिंबल्स ऑपोजिट हैं, इसलिए ये फॉलो नहीं होगा। डी इज लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू, सो क्लियरली यहाँ पे है कि डी जो है वो लेस देन डब्ल्यू है, डी लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू नहीं है, इसलिए ये भी कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशंस टू मेक ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी। सो ए इक्वल्स टू जी विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्वेश्चन मार्क, एफ अगेन क्वेश्चन मार्क, एम विच इज इक्वल्स टू डी। अगर हमें ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी करना है तो क्लियरली इन दोनों प्लेसेस में एक कोई प्लेस होगा जो जिसका सिंबल ये होगा, और दूसरा जो सिंबल हो सकता है वो या तो ये होगा या तो ये होगा, और कोई सिंबल होगा तो ये हमारा फॉलो नहीं करेगा, डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा। अगर देखें तो इसमें से कोई भी ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन ऑर्डर टू मेक ए लेस देन बी डेफिनेटली ट्रू and D less than equal to A definitely true. So B question mark E equals to A question mark F less greater than equal to N which is equal to D. A B हमें greater than A करना है, एक symbol already है, तो clearly दूसरा जो symbol होगा वो ये होना चाहिए। तो अगर options में देखें तो option A में है और option D में है। दूसरा क्या है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू डी, तो एक सिंबल तो ये है, या तो इधर ये सिंबल हो या तो
ये सिंबल हो। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें, दैट इज ऑप्शन ए में, तो ये सिंबल नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। और सेकंड में देखें तो इक्वल टू है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशंस टू मेक एन ग्रेटर देन इक्वल टू, एन ग्रेटर देन इक्वल टू डी हमें करना है। नाउ ए इक्वल्स टू जी विच इज इक्वल्स टू बी इज ग्रेटर देन एन, क्वेश्चन मार्क एफ, क्वेश्चन मार्क एम इक्वल्स टू डी। एन ग्रेटर देन इक्वल टू डी करना है, तो अगेन या तो ये सिंबल्स हो दोनों जगह, या तो ये सिंबल हो। तो अगर हम लोग देखें हमारे क्वेश्चन में, तो क्लियरली ये कहीं भी नहीं है ये सिंबल्स, इसलिए ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू मेक the expression this false and a greater than equal to b। तो अगर m है, question mark b, question mark e equals to a, तो हमें करना है a greater than equal to b। तो clearly यहाँ पे एक ही symbol आ सकता है, that is this। तो अगर options पे देखें तो सिर्फ option a है। दूसरा देख लेते हैं, m लेस देन ई नहीं होना चाहिए। अगर ये सिंबल हम डालते हैं तो क्लियरली ये नहीं होगा। इसे डेफिनेट फॉल्स इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये सिर्फ फॉल्स होगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन टू मेक जी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एंड एम लेस देन बी डेफिनेटली ट्रू। सो ए क्वेश्चन मार्क, इधर कोई भी सिंबल नहीं दिया गया है। नाउ जी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, अगेन इन दोनों में से कोई एक सिंबल होना चाहिए ये, और दूसरा या तो ये हो सकता है या तो ये, एंड एम लेस देन बी, तो इनमें से डेफिनेटली एक सिंबल हमारा ये होना चाहिए। तो अगर हम देखें इधर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ कोई भी सिंबल हो सकता है। जी और एफ के बीच में देखें तो इन ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है ये सिंबल, एक में है लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन हो जा रहे हैं। अगर इसको कंसिडर करें तो ये 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 और ये है, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन हो जा रहे हैं, इसलिए ये भी हमारा नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर है। डायरेक्शंस 11 to 15, जी लेस देन डी इक्वल टू एंड ग्रेटर देन लेस देन ई, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ which is greater than b which is less than a। conclusion 1, g and a ke beech mein, to clearly hum dekh sakte hain signs opposite hain, isliye ye conclusion hamara follow nahi hota hai। agar second mein dekhe b less than e, clearly ye conclusion hamara follow hoga, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, के इक्वल्स टू ए विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, सॉरी ग्रेटर देन टी विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे। नाउ ए इज लेस देन इक्वल टू एस विच इज इक्वल टू एच एंड आई इज ग्रेटर देन टी। कंक्लूजन 1, H is greater than J, तो clearly H जो है वो greater than J है, इसलिए ये conclusion हमारा follow होता है। Second conclusion, I greater than S, यहाँ पे symbols opposite हो जा रहे हैं,
इसलिए ये कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। 13th क्वेश्चन, पी ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन जे विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू के विच इज ग्रेटर देन एल विच इज लेस देन एम विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। नाउ के इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओ विच इज इक्वल टू टी। कंक्लूजन वन, जे इज ग्रेटर देन ओ, जे इज ग्रेटर देन ओ गलत होगा क्योंकि जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओ। फिर जे इक्वल टू टी ये भी गलत होगा, लेकिन सिंस ओ इज इक्वल्स टू टी और हमारे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, सॉरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं इक्वल टू और ग्रेटर के, इसलिए इस केस में हमारा आइदर और लगेगा। क्वेश्चन 14, ओ इज लेस देन ए विच इज ग्रेटर देन टी। नाउ ए इज लेस देन ग्रेटर देन एस विच इज ग्रेटर देन आर, ए इज लेस देन एम विच इज ग्रेटर देन पी। कंक्लूजन वन, आर इज लेस देन टी। अगर आर और टी में देखें तो यहाँ पे हमारे ऑपोजिट साइंस हो जाते हैं, इसलिए ये कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं होता है। सेकेंड कंक्लूजन देखें, दूसरा सॉरी यहाँ एन होगा, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, यहाँ पे भी ऑपोजिट साइंस है, लेकिन सी सिंस जो हमारा टी इक्वल टू एन है इसलिए हमारा ये आइदर और का केस बनेगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ए इज लेस देन बी विच इज लेस देन इक्वल टू सी, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम विच इज ग्रेटर देन एफ विच इज लेस देन ई, सी इज अगेन ग्रेटर देन क्यू विच इज लेस देन आर। कंक्लूजन वन, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, तो अगर एफ और क्यू को देखें साइंस हमारे ऑपोजिट है, इसलिए ये कंक्लूजन फॉलो नहीं होता है। सिमिलरली सेकेंड कंक्लूजन भी हमारा फॉलो नहीं होता है, लेकिन इसमें आइदर और का केस इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि दोनों कंक्लूजन्स में एफ ही ग्रेटर और इक्वल टू आ रहा है और हमारे जो तीन कंडीशंस होती हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी।